Assalamualaikum class 10th, hope you all are fine. Today my topic is Pakistan-Russian relation. आज हमने पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात के बारे में पढ़ना है. नंबर वन पॉइंट है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर इस्टेब्लिश बिटवीन बोथ द कंट्रीज़ इन मे 1948. पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो 1948 में मई के मंथ में स्टार्ट हुए थे. एंड द नेक्स्ट ईयर और अगले साल मिस्टर शुएब कुरैशी वाज अपॉइंटेड द पाकिस्तानी एम्बेसडर टू रशिया. मिस्टर शुएब कुरैशी जो थे वो पाकिस्तानी एम्बेसडर मुकर्रर हुए थे रशिया में. इवन बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्बेसडर ऑन बिहाफ ऑफ द रशियन प्राइम मिनिस्टर मार्शल जोसेफ स्टालिन एंड इन्विटेशन टू विजिट रशिया. लेकिन इस एम्बेसडर के अपॉइंट होने से पहले ही पीएम ऑफ रशिया जो थे मार्शल जोसेफ स्टालिन जिन्हें एक इनविटेशन दिया था हैड बीन सेंट टू द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर लियाकत अली खान. उन्होंने लियाकत अली खान को जो था एक इनविटेशन दिया था कि वो रशिया का विजिट करें. एंड इन जून 1949 द मंथ ऑफ अगस्त वाज सजेस्टेड फॉर दिस विजिट. और लियाकत अली खान ने ये डिसाइड किया था कि वो जून के महीने में 1949 मंथ ऑफ अगस्त में जो था वो रशिया का दौरा करेंगे. हाउएवर ही इग्नोर दिस एंड वेंट ऑन विजिट टू द अमेरिका. लेकिन उन्होंने इस जो था इनविटेशन को इग्नोर किया और वो जो था वो अमेरिका के दौरे पर चले गए थे. द सेम ईयर इन जुलाई आ ट्रेन डेलीगेशन ऑफ रशिया फ्रॉम रशिया. और इसी साल एक तजारती वफ जो था वो रशिया से पाकिस्तान आया था. एंड दिस डेलीगेशन विजिट टू वॉज ऑलमोस्ट अ फेलियर बिकॉज देर वॉज नो एग्रीमेंट डील डिसाइडेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज़. और ये डेलीगेशन भी जो था वो नाकामी का शिकार हुआ था क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कुछ भी एग्रीमेंट माहदे डिसाइड नहीं हुए थे. आफ्टर द रशियन इन्विटेशन द अमेरिकन प्रेजिडेंट ट्रूमन ऑल्सो इन्वाइटेड द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फॉर विजिट विच वॉज इमीजिएटली एक्सेप्टेड. रशियन प्राइम मिनिस्टर ने जब इन्वाइट किया था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को तो साथ ही अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर ट्रूमन जो थे उन्होंने प्रेसिडेंट थे ट्रूमन उन्होंने वज़ीर आज़म को जो था वो इनवाइट किया था अमेरिका विज़िट करने के लिए. और लियाकत अली ख़ान ने इस विज़िट को और इनविटेशन को इमीडिएटली फौरन से एक्सेप्ट कर लिया था एज आ कॉन्सिक्वेंसेस जिसके नतीजे में गल्फ वॉज क्रिएटेड बिटवीन द रशिया एंड पाकिस्तान पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक खलीज आग पैदा हो गई थी विच हैज़ नॉट बीन फिल्ड टिल टुडे. जो आज तक मुकम्मल आज तक ख़त्म नहीं हो सकी है. लियाकत अली खान विजिटेड अमेरिका इन 1950. लियाकत अली खान ने 1950 में अमेरिका का दौरा किया था एंड रशिया डिक्लेयर पाकिस्तान अ बाइस्ड कंट्री. और रशिया ने ये डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तान एक दोहरी मुल्क है यानी कि वो अपनी बाद में कायम रहने वाला या जानबदार मुल्क है बाइस्ड कंट्री है. नंबर सेकंड है इन मार्च 1956 में द रशियन कैपिटल मॉस्को रशिया कैपिटल मॉस्को में द पाकिस्तानी कंसुलेट हेल्ड आ फंक्शंस टू सेलिब्रेट पाकिस्तान डे. द रशियन फॉरेन मिनिस्टर मिलोटिव आल्सो पार्टिसिपेटेड एंड ऑफर टू हेल्प पाकिस्तान टू सेट अप अ स्टील रोलिंग मिल द सेम वे इट हैड हेल्प पाकिस्तान इंडिया सेट अप अ स्टील री रोलिंग मिल. अच्छा अब यह था कि 1956 में रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे उन्होंने पाकिस्तान डे के मौके पर पाकिस्तान को हेल्प की ऑफर की थी कि वो पाकिस्तान के अंदर स्टील री रोलिंग मिल खोलेंगे. और साथ ही ऐसी ही ऑफर उन्होंने इंडिया को भी की थी. नंबर जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर ये था कि बोथ कंट्री साइन एन एग्रीमेंट इन मार्च 1961. दोनों कंट्री ने 9 मार्च 1961 के अंदर एक मुहिदा किया अकॉर्डिंग टू विच रशियन हैड टू एक्सप्लोर फॉर ऑयल इन पाकिस्तान. जिसके मुताबिक रशिया जो है वो पाकिस्तान में ऑयल एक्सप्लोर करेगा. रशिया ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट इट वुड सेंड इट एक्सपर्ट टू पाकिस्तान फॉर 5 ईयर्स टू सर्च ऑफ गैस. और साथ ही रशिया ने यह भी कहा कि वो अपने एक्सपर्ट को गैस की तलाश में पाकिस्तान भेजेगा 5 सालों में. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट और इस एग्रीमेंट के नतीजे में माहदे के नतीजे में इट हेल्प टू लेसन द टेंशन क्रिएटेड प्रीवियसली टू क्वाइट ऑन एक्सटेंड. और इस एग्रीमेंट की वजह से जो दोनों मुल्क के दरमियान एक टेंशन की वजह थी वो कम हो गई थी.
आफ्टर 2 ईयर्स एयर सर्विस बिगन बिटवीन द टू कंट्रीज़, और 2 सालों के बाद दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एयर ट्रैवलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। और इन 1964 बोथ द कंट्रीज़ एग्री फॉर द टेक्निकल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन, और फिर 1964 में दोनों कंट्रीज़ ने जो था वो टेक्निकल और साइंटिफिक कोऑपरेशन का मुआहदा किया, एंड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़ स्टार्ट इम्प्रूविंग टू द सम एक्सटेंट, और इस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात जो थे वो बेहतर होना शुरू हो गए थे। नंबर 4 पॉइंट का नाम देखेंगे कि 1965 द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान विजिटेड रशिया। 1965 में रशिया का दौरा किया था पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान ने, 3 पैक्ट्स पर साइन, और 3 वादे हुए थे बिटवीन द टू कंट्रीज़ इन दोनों ममालिक के दरमियान, अकॉर्डिंग टू विच इस माहदों के मुताबिक अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ट्रेड वॉज डबल, इन पिछली जितनी भी ट्रेड हुई थी उसकी अमाउंट जो थी वो उसको डबल कर दिया गया था। रशिया अनाउंस दैट इट वुड गिव अ लोन ऑफ द ₹15 करोड़ टू द ₹25 करोड़, और रशिया ने यह अनाउंस किया था कि वो तकरीबन 15 करोड़ से 25 करोड़ रुपीस जो है वो पाकिस्तान को लोन देगा अकॉर्डिंग टू द कल्चरल एग्रीमेंट, और एक कल्चरल एग्रीमेंट के तहत एंड एक्सचेंज ऑफ द डिफरेंट आर्ट एक्सपर्ट्स स्टूडेंट्स राइटर एंड आर्टिस्ट दोनों ममालिक के जो हैं वो एक दूसरे एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट आर्ट वो जो है वो उनका तबादला होगा टीवी प्रोग्राम्स वगैरह और रेडियो में वर्ड एग्री अपॉन्ट, और इस माहदे पर दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया था। रशिया आल्सो अनाउंस एड टू द 3rd 5-year plan, और रशिया ने पाकिस्तान के 3rd 5-साला मंसूबे के लिए भी पाकिस्तान को एड प्रोवाइड की थी। नंबर 5 पॉइंट अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर यह है कि इन जनवरी 1966 आफ्टर द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 जनवरी 1966 में जब 1965 में इंडियन पाकिस्तान वॉर हुई थी, रशिया ब्रोक एन एग्रीमेंट, रशिया ने एक माहदा करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इन ताशकंद के मुकाम में, एंड हेल्प टू इम्प्रूव द इशूज़, उनका मकसद ये था कि रिजॉल्व किया जा सके इशूज़ को, और रिटर्न ऑफ द प्रिजनर एंड ऑक्यूपाइड एरिया, और इंडिया का जितना भी ऑक्यूपाइड एरिया पाकिस्तान के हिस्से में आया था और जितने भी प्रिजन जितने भी कैदी आए थे उनको रिहा करने का माहदा करवाया था ताशकंद के मुकाम में। That agreement was held in 19 January 1966. Number 6 point के अंदर है after East Pakistan become Bangladesh, और जब East Pakistan Bangladesh बन गया था a new era began, एक नया दौर शुरू हुआ था in 1971 जुल्फ़िकार अली भुट्टो came into the power, और 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में आए थे, and he felt that despite the Cento and the Sito treaties America had not helped Pakistan, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो था वो सेंटो और सीटों से जो था वो अलीहदगी अख्तियार कर ली थी, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये सोचते थे कि अमेरिका हैड नॉट हेल्प पाकिस्तान, सो ही अनाउंस दैट पाकिस्तान इज़ विदड्रॉन फ्रॉम दिस ट्रीटीज, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन ट्रीटीज से जो था इन माहदों से जो था वो छुटकारा हासिल किया, उसे अलीहदगी अख्तियार कर ली। नंबर 7 पॉइंट के अंदर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के मुताबिक बिटवीन द बोथ कंट्रीज इन 1973 रशिया गिफ्ट जनरेटर्स एंड इम्प्रूव इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स फॉर द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, रशिया पाकिस्तान को थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट की सेटिंग के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स देगा, आलात देगा, जनरेटर्स देगा, एंड द ही प्लांटेड स्टील मिल वॉज गिवन इट फाइनल टच इन कराची, और इसी साल जो था वो स्टील मिल कराची के अंदर जो मौजूद है वो अपने आखिरी मरहल में थी, दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड स्टार्टेड इन दिसंबर 1973, जिसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो 1973 के दिसंबर के महीनों में स्टार्ट हुई थी। In 1988 टू रिजॉल्व द अफगान इशू, 1988 में अफगान इशू को रिजॉल्व करने के लिए ख़त्म करने के लिए एन एग्रीमेंट वॉज डिसाइडेड, एक एग्रीमेंट हुआ विच नेम द जेनेवा पैक्ट, जिसको जेनेवा पैक्ट कहा जाता है। इन एडिशन टू द पाकिस्तान एंड द रशिया, अमेरिका ने रशिया आल्सो साइनड, इस जेनेवा पैक्ट के 4 मेंबर्स थे पाकिस्तान अफगानिस्तान अमेरिका एंड रशिया। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, इस पैक्ट के मुताबिक रशिया डिसाइडेड टू विदड्रॉ इट्स फोर्सेस, इसमें रशिया ने डिसाइड किया था कि अपनी फोर्सेस को जो है वो 9 महीनों के अंदर जो है वो अफगानिस्तान से निकाल देगा। देयर फॉर बाई द मिडल ऑफ 1989 और इस तरह 1989 के दरमियान में ही द होल फोर्स वॉज विड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान। नाउ कोऑपरेशन बिटवीन बोथ कंट्री इज़ ऑन गोइंग इन डिफरेंट फील्ड्स।